पंजाब किंग्स का खराब दौर थमने का नाम नहीं ले रहा और अपने ही होम ग्राउंड पर उसे एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। पंजाब की हार की वजह उसके बल्लेबाजी की नाकामी रही। शिखर धवन के बिना टीम का टॉप ऑर्डर फिर नाकाम रहा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 89 रनों पर ढेर होने वाली गुजरात की बैटिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रविवार को ही कोलकाता ने रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी बॉल पर एक रन से हरा दिया। इस हार से बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हुई। कोलकाता नाइट राइडर्स की इस सीजन में 5वीं जीत है और टीम पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। कोलकाता के लिए ओपनिंग में इस बार सुनील नरेन संघर्ष करते दिखे, लेकिन फिल सॉल्ट, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह ने टीम का स्कोर 222 तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु के लिए रजत पाटीदार ने 52 और विल जैक्स ने 55 रन बनाए। कैमरन ग्रीन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाकर अंकुश रघुवंशी का शानदार कैच लपका। आज राजस्थान और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में गेंदबाजों को जमकर मार पड़ रही है। बल्लेबाज पहली गेंद से ही बाउंड्री से बातें करते नजर आ रहे हैं। गेंदबाजों की हालत को देखकर सुनील गावस्कर भड़क गए।